मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। युकावेदीप के वरिष्ठ सदस्य हैं भाई महावीर वर्मा जी, आए और अपना रचना पाठ काव्य पाठ करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभा में उपस्थित सबको नमन करता हूं, और सीधे सीधे अपनी रचना एक लव्य लोट आया है। सन 2015 की काव्यद्वीप की वार्षिकी में यह रचना मेरी छपी थी। जो योग्य होते हुए भी पीछे हैं, जिन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता, यह उनको समर्पित है। एक लव्य लोट आया है। जब जब भी मुझे मुझ जैसे एक लव्य ने अर्जुन बनने का प्रयास किया, जब जब भी मुझ जैसे एक लव्य ने अर्जुन बनने का प्रयास किया, मेरे स्वामियों ने गुरु दक्षिणा में मेरा अंगूठा ही नहीं, मेरा पूरा हाथ ही काट लिया, और मुझे जात पात के तथाकथित खानों में बांट दिया। इसमें मेरा क्या दोष है कि मैंने कुटिया में जन्म लिया है? इसमें मेरा क्या दोष है कि मैंने कुटिया में जन्म लिया है? शायद इसलिए मैंने अपने भील होने का हमेशा बलिदान दिया है। काश मैं भी अर्जुन की तरह किसी राजवंश में पैदा होता, मेरे पास भी गुरु दक्षिणा देने को बहुत कुछ होता। क्षमा करना गुरुदेव। हे आचार्य द्रोण, मैं विनय पूर्वक कहूंगा वो आपका अन्याय था। घोर अन्याय, पक्षपात था। मैंने तो आपकी प्रतिमा को ही गुरु माना था, गुरु भगवान से बड़ा होता है यही जाना था। हे मेरे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने भी भ्रातृ मोह में मेरे ऊपर हुए अन्याय की अनदेखी कर दी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने भी अपने भ्रातृ मोह में मेरे ऊपर हुए अन्याय की अनदेखी कर दी, और मेरी झोली सिर्फ झूठे आश्वासनों से भर दी। क्या मेरे तरकश में तीरों की कमी थी, या इस धरा पर वीरों की कमी थी? मैं बहुत कुछ कर सकता था, केवल उनके कुत्ते का ही नहीं, सब पांडवों का मुंह भी बाणों से भर सकता था। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था ने, सामंतवादी समाज की कुंठित सोच ने हमें ही बलि का बकरा बनाया है, सदा गरीबों और मजलूमों की प्रतिभा को ही दबाया है, सूर्य की किरणों को पर्दों में ढांपने का प्रयत्न किया है। लेकिन अब नए सूरज की प्रखर रश्मियां इन पर्दों को भेद कर बाहर आ गई हैं। हे गुरुदेव, अंगूठे की सर्जरी कराकर आज का एक लव्य लौट आया है। उसने फिर से प्रत्यंचा पर तीर चढ़ा लिया है और संधान कर लिया है सामंतवादी विचारधारा का और उस कारा का, जिसमें समानता सदियों से कैद पड़ी है। सुनो गुरुदेव, आज फैसले की घड़ी है। इस समानता को कारा से छुड़ाना होगा, और उस आदिवासी भील को उसका न्याय दिलाना होगा, एकलव्य को फिर से महान धनुर्धर बताना होगा, उसे सदा सदा के लिए अर्जुन के समकक्ष लाना होगा।
उसे सदा सदा के लिए अर्जुन के समकक्ष लाना होगा। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।